हमारा मन एक अद्भुत उपहार है जो हमारे पास आने वाले हर अनुभव और हर जानकारी को जीवंत रूप में याद रखता है। वैसे इसे एक जबरदस्त कल्पना में रूपांतरित किया जा सकता है, लेकिन अगर आप अपनी कल्पना पर नियंत्रण खो देते हैं, अगर आप ये समझ खो देते हैं कि कल्पना क्या है और वास्तविकता क्या है, भविष्य क्या है, वर्तमान क्या है और अतीत क्या है, तब आपका मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। ज्यादातर इंसान जीवन में दुख नहीं झेल रहे हैं, वो बस अपनी याददाश्त और कल्पना से पीड़ित हैं। 10 साल पहले जो हुआ था वो अब भी उससे दुखी हैं, जो शायद परसों होगा उससे भी वो दुखी हैं। ये जीवन की वजह से नहीं है, ये दो सबसे शानदार क्षमताओं पर नियंत्रण की कमी के कारण है, जीवंत याददाश्त की क्षमता और जबरदस्त कल्पना की शक्ति। अपने भविष्य की चिंता मत कीजिए, अगर आप वर्तमान को अच्छे से संभालते हैं तो भविष्य अपने आप खिलेगा। हम केवल उसी पर काम कर सकते हैं जो अभी हमारे हाथ में है। आप उस पर काम नहीं कर सकते जो आपके मन में है। जो आपके मन में है आप उसके लिए प्लान बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। आप केवल वर्तमान क्षण में काम कर सकते हैं। आप केवल उसी को संभाल सकते हैं जो अभी मौजूद है। आप में से जो लोग अपने विचारों और भावनाओं में बहुत ज्यादा डूबे हुए हैं, लगातार सोशल मीडिया या किसी और चीज पर लगे रहते हैं, मुझे लगता है आपको अपना फोन छोड़कर जंगल में टहलना चाहिए। अगर ऐसा हर दिन संभव नहीं है तो महीने में कम से कम 1 या 2 दिन आपको कहीं खो जाना चाहिए। बस प्रकृति की गोद में बिल्कुल अकेले रहिए, टहलिए, बैठिए, चीजों को देखिए। अगर आप पर्याप्त ध्यान दें तो आप देखेंगे कि आप अस्तित्व की हर छोटी छोटी चीज पर बहुत मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, क्योंकि एक छोटी सी चींटी का निर्माण भी इतना जटिल है कि आप और आपकी बुद्धि उसके बनने की सटीक प्रक्रिया को पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। जिन्होंने सृष्टि पर अपनी नजर नहीं डाली है वो अपनी मानसिक रचनाओं से बहुत अधिक उलझे रहते हैं, जो कि उनके विचार हैं और उसका रसीला हिस्सा भावना है। जब आपके विचार और आपकी भावनाएं सृष्टिकर्ता की रचना से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं तो इसका मतलब है आपके बोध में बड़ी भारी गड़बड़ है। आपने जीवन की प्रकृति को बिल्कुल भी नहीं समझा है। हम बहुत सी चीजें जानते हैं, हम बहुत सी चीजें कर भी लेते हैं, लेकिन हम किसी भी चीज को उसकी संपूर्णता में नहीं जानते। तो यही अस्तित्व की प्रकृति है। अगर आप उस पर ध्यान दें तो स्वाभाविक रूप से आपके अपने विचार और अपनी भावनाएं पीछे चले जाएंगे। आप तब भी उनका आनंद ले सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि ये कितने महत्वहीन हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस द मल्टीफेरियस डायमेंशंस ऑफ लाइफ यू हैव टू बी नॉन सीरियस। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर आप जीवन के अलग अलग आयामों का अनुभव करना चाहते हैं तो आपको गंभीरता छोड़नी होगी। आप गंभीर सिर्फ इसलिए बन गए हैं क्योंकि आपने अपने अस्तित्व को बहुत गंभीरता से ले लिया है। हालांकि हम इस ब्रह्मांड में बहुत ही कम समय के लिए होते हैं। ये एक विशाल ब्रह्मांड है। जिस ग्रह प्रणाली या सौर मंडल में हम रहते हैं वो एक छोटा सा कण है। उसमें पृथ्वी एक सूक्ष्म कण है। उस सूक्ष्म कण में जिस स्थान पर या जिस शहर में आप रहते हैं वो एक बहुत ही सूक्ष्म कण है। उसमें आप एक बड़े आदमी औरत बन गए हैं, और यही कारण है कि आप जीवन के प्रति इतने गंभीर हैं। जीवन के रूप में आपके पास बस एक छोटा सा समय है। इसमें अगर आप खुद को बहुत गंभीरता से लेते हैं तो आप एक बड़ा मजाक हैं। जीवन का रहस्य ये है कि आप हर चीज को गैर गंभीर नजर से देखें, लेकिन एक खेल की तरह इसमें पूर्ण रूप से शामिल हों। तो जीवन को एक खेल की तरह लें। अगर आप जीवन को एक खेल की तरह लेना चाहते हैं तो आपको यह समझना होगा कि आपका अस्तित्व वर्तमान समय के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन यह हमेशा के लिए महत्वपूर्ण तभी होगा जब आप अपने वास्तविक स्वरूप के शाश्वत पहलू को छू लेते हैं। यह बहुत ही छोटा जीवन है। केवल उसी चीज को करने में जिसकी आप वाकई परवाह करते हैं आपका जीवन सार्थक होगा। अगर
आप जीवन में सच्ची भागीदारी लाना चाहते हैं, खुद को पूरी तरह से अर्पित करने के लिए, तो आपको कुछ ऐसा करना चाहिए जो आपके लिए वाकई मायने रखता हो। यह महत्वपूर्ण है कि आप उसे खोजें। जब मैं कहता हूं कि उसे खोजना महत्वपूर्ण है, तो आपका अपना आधा जीवन ये खोजने में नहीं बिताना है कि मेरा जुनून क्या है। नहीं, आपको बस अपनी क्षमता पर काम करना है कि आप हर चीज को अपना बना लें। जब सब कुछ आपका है, यह पूरी दुनिया आपकी है, यह ब्रह्मांड आपका है, तो जब यह आपका एक हिस्सा है, अब अगर आप खुद को पूरी तरह से शामिल करते हैं और लगातार उस चीज के लिए प्रयास करते हैं जो आपके लिए मायने रखती है, जिसके आप वाकई परवाह करते हैं, तब आपका अस्तित्व ही सार्थक हो जाएगा। जरूरी नहीं कि आपके कार्य, जरूरी नहीं कि आप क्या हासिल करते हैं और क्या नहीं, लेकिन आपका अस्तित्व ही सार्थक होगा, क्योंकि बस सांस लेना और होना ही एक जबरदस्त घटना है। यहां जीवन से बड़ी कोई घटना नहीं है। अगर यह सार्थक नहीं है, अगर यही सार्थक नहीं है, तो सार्थक क्या है?